जंगल का कानून तो आपको पता ही है, यहाँ सिर्फ उसे ही जीने का अधिकार है जिसके पास ताकत है। हर दिन जीने के लिए इनको आपस में ही लड़ना होता है, या तो शिकार के लिए या शिकार होने से बचने के लिए, और इसी नियम से जंगल का कानून चलता है। इसलिए अक्सर यहाँ बहुत भयंकर, खूनखार और रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़ाइयाँ होती रहती है। आज आप इस वीडियो में ऐसे ही दिल दहला देने वाले ऐसे मोस्ट क्रेजिस्ट फाइट्स देखेंगे, जिन्हें देख कर आप वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाएंगे। नंबर 1, नो वर्सेस बुफेलो। दोनों का साइज देखिए जरा, अपना पहाड़ सा शरीर लेकर जब ये दोनों जंगल में निकलते हैं तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि कोई इन्हें छेड़ दे। मगर जब ये दोनों ही आपस में भिड़ जाते हैं तो सोचिए वो मंजर क्या होता होगा। अफ्रीका में तो माना जाता है कि ये बहुत पुराने दुश्मन हैं। ये अक्सर अपनी ताकत साबित करने के लिए लड़ते रहते हैं। यहाँ देखिए, इस राइनो ने मौका देखकर भैंसे पर हमला कर दिया है, और लगता है भैंसा इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं था और शायद इसीलिए संभल नहीं पाया, और उसके बाद तो राइनो ने उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया, लगातार वार करते हुए उसे गिरा दिया। आज राइनो घर जाएगा तो फूल मालाओं से स्वागत किया जाएगा, जीत जो हासिल की है। नंबर 2, लायन वर्सेस लेपर्ड। यहाँ देखिए, बेचारा लेपर्ड दिन दुनिया से बेखबर अनजान होकर सो रहा है कि तभी वहाँ ये शेर पहुँच जाता है। इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा शेर को? सोते हुए लेपर्ड का शिकार करना तो सबसे आसान काम है, मगर शायद शेर की किस्मत उस दिन उससे नाराज होकर कहीं चली गई है, इसलिए इतना बढ़िया मौका उसके हाथ से निकल गया। लेपर्ड जाग गया और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा, जिसमें वो भागने में कामयाब भी हो गया। नंबर 3, जिराफ वर्सेस लायन। पहली बार सुनने पर तो विश्वास नहीं होगा कि जिराफ जैसे साधारण जानवर जंगल के राजा खूनखार शेर को हरा सकता है, मगर इस वीडियो को देखने के बाद मन में कोई शंका नहीं रह जाएगा। देखिए कैसे ये जिराफ इस शेर को हवा में उछाल उछाल कर मार रहा है। बेचारा शेर के पीठ और पेट पर इतने लाते बरसाई हैं इस जिराफ ने कि शेर की तो हवा ही टाइट हो गई। शेर की ऐसी दुर्गति आज से पहले कभी नहीं देखी गई। नंबर 4, कंगारू वर्सेस कंगारू। कंगारू उस आशिक का नाम है जो लड़ाई के मैदान में अपने प्यार के लिए मरना पसंद करेगा, मगर मैदान छोड़कर भागना नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ये प्राणी अक्सर तब आपस में लड़ते हैं जब इन्हें किसी फीमेल कंगारू को इम्प्रेस करना होता है। कहा जाता है कि ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होती जब तक दोनों में से कोई एक अपनी जान से हाथ नहीं धो बैठता। वैसे देखने में ये लड़ाई काफी मजेदार लगती है, क्योंकि कंगारू की लड़ाई स्टाइल ही कुछ ऐसी है। ये घूसे मारते हैं, लात मारते हैं, नाखून चबाते हैं और इसी तरह बस लड़ते रहते हैं। नंबर 5, बुफेलो वर्सेस लायन। बुफेलो का शरीर इतना लंबा होता है कि एक शेर के लिए कई दिनों तक के खाने का व्यवस्था कर सकता है, इसलिए शेर जब भी किसी भैंसे को अकेला देखता है तो उसका शिकार करने से नहीं चूकता। मगर जब कहानी उल्टी पर जाए तो नतीजा भी उल्टा हो जाता है, यानी शेर किसी भैंस के झुंड में अकेला फंस जाए तो उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, ये शेरनी भैंसों के झुंड में बुरी तरह से फंस गई है और निकल नहीं पा रही है। डरी सहमी शेरनी उनको डराने की कोशिश कर रही है, मगर उसकी आवाज में वो बात नहीं रही। आज उसके सारे भैंसे मिलकर वो हालत करने वाले हैं कि इसे अगले कई जन्मों तक ये बात याद रहेगा। जंगली के और खूंखार लड़ाइयां देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए।